हेलो दोस्तों, भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो आपको शेयर करते हैं। और ये सीनियर द्वारा दिया गया है इन्फॉर्मेशन और हर चीज़ की गारंटी नहीं होती है, इसी तरह जॉब की गारंटी भी नहीं है। आप चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ क्योंकि पंजीकरण के ही मामले में भी फंसे हैं हम लोग। तो चलिए, इलाहाबाद में पंजीकरण का डेट 20 तारीख मिला है सीनियर द्वारा, तो आप लोग बने रहे हैं वीडियो में। और मैं चाहता हूं कि हर एक आर्मी का उद्धान हो और अपने तरक्की पे बढ़े। और मेरा यही उद्देश्य रहता है कि मैं आप लोग को अच्छे से अच्छे वीडियो ला कर दूँ, तो आप लोग के लिए ही मैं चैनल पे वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करके बताइएगा। और चलिए, आपने जैसे न्यूज सब समझ लिया। और बात करते हैं ओटीपी क्यूआर कार्ड की, उनसे कुछ मतलब नहीं है, उसकी तो बातें मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे आगे आ चुके हैं। हम मेंबरशिप कार्ड पंजीकरण पर हम लोग इस समय कार्यरत हैं, उसी भी कार्ड शैली चली हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा ना करें, और ज़्यादा ओटीपी क्यूआर कार्ड का समस्या अगर आपको हो और नाम में कहीं गड़बड़ी आपको आती हो तो आप अपने सीनियर द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम से हम लोग रेलवे माल गोदाम में काम करें कि हम लोग की सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो जाए। और मेरे को 100% में 99% नहीं लगता है, 1% लगता है, अपने वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ। तो कृपया बस इतना ही वीडियो में। आपको क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।